Today we are going to talk about a novel, The Man Eater of Malgudi by R. K. Narayan. It was published in 1961, and if we talk about this work, it is the finest work of R. K. Narayan. And allegory है इसके अंदर, जो evil जो होता है, बुरा जो होता है, वो हमेशा self destructive होता है, खुद का खात्मा खुद ही करता है, जैसा कि भस्मासुर ने किया था. तो इसमें भस्मासुर मिथ को लिया गया है, और इसमें भी एक इविल पर्सन है जो खुद का डिस्ट्रक्शन खुद ही करता है. ये जो टाइटल है ये आयरनिक है, मतलब द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. मैन ईटर का मतलब देयर इज़ नो एनिमल हु ईट मैन, बट अ पर्सन जो कि जिसका नाम वासु है, जो एंटागनिस्ट है, और किस तरीके से वो इसमें रोल प्ले करता है हम वो देखेंगे. तो जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और ट्रेजिक कॉमेडी हीरो जो है वो नटराज है, वही अपनी जो स्टोरी है वो बता रहा है. एक प्रिंटिंग प्रेस का ऑनर है मालगुडी में, एज वी नो आर के नारायण का जो फिक्शनल टाउन होता है नोवल में मालगुडी, उसी में ये है इसका प्रिंटिंग प्रेस का काम. और इसमें हम इसके बाद में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं कौन कौन हैं, और ये पूरी जो स्टोरी है ये टू कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमती है, नटराज जो प्रोटैगनिस्ट है और वासु जो एंटागनिस्ट है, और एक एनिमल को बचाने की कोशिश है जो एलिफेंट है कुमार का. अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में नटराज, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रिंटिंग प्रेस का ऑनर है, उसका बेटा है, एक वाइफ है और एक बेटा है जिसको लिटिल बाबू कहा जाता है. पोइट हैं, उनका नाम नहीं बताया गया, वो फ्रेंड है नटराज के. सैन भी फ्रेंड है नटराज का. एक सैन जो है एक जर्नलिस्ट है और शास्त्री एम्प्लॉय है, मतलब नटराज की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, तो आप इसे इनका फ्रेंड भी कह सकते हैं. वासु एक टैक्सिडर्मिस्ट है जो एनिमल की स्किन को स्टफ़ करता है, मतलब पहले उनको हंट करता है, फिर उनकी स्किन के अंदर स्टफिंग करके और उनको रियल लाइक क्रिएचर बना देता है. रंगी जो है वो एक टेंपल डांसर है, एक प्रोस्टिट्यूट है. मुथु एक टी शॉप ऑनर है. कुमार, जिस एलिफेंट की बात कर रही थी, जो मैम्पी हिल से लाया गया था नटराज के द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, और जोशी वो डॉक्टर हैं जो कुमार जो एलिफेंट है उनका ट्रीटमेंट करता है, और थानप्पा जो है एक पोस्टमैन है. अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मालगुडी में जो नटराज है एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, और इसका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ पे मतलब उसके ऊपर, उसकी शॉप के ऊपर एक रूम भी है, और यहाँ पे उसके काफ़ी कलीग्स वगैरह हैं, शास्त्री जो हैं, सैन, और ये सब उसकी हेल्प करते हैं और इसकी शॉप पे रहते हैं. और यहाँ पे उनके जो लाइफस्टाइल है नटराज की वो बहुत सिंपल है, बहुत हेल्पिंग है. वाइफ है और बेटा है, और उनके जो मदर और ग्रैंड आंट हैं वो मद्रास में रहते हैं उनके ब्रदर के साथ में. यहाँ पे क्या है, नटराज जो है वो अपने सिंपल लाइफ जीता है अपना. मॉर्निंग में एकदम 4 बजे उठता है, और उसके बाद में नहाना धोना रिवर के बैंक पे जाकर वहाँ पे, तो इस तरीके से. और इनके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक जर्नलिस्ट हैं सैन जो हैं, और वो नेहरू को उसके काफ़ी क्रिटिक हैं नेहरू के. और यहाँ पे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बताए हुए हैं, एक एम्प्लॉय है. तो इस तरीके से एक पोइट हैं जो राधा और कृष्ण पे अपना एपिक लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार उनकी प्रिंटिंग प्रेस पे अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं, और वहाँ पे के जे ड्रिंक्स के कार्ड छपने के लिए आते हैं, और वहाँ पे नटराज को वो काम दिया जाता है. वहाँ पे जो शॉप के अंदर हम देखें तो वो जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, और जैसा कि मैंने बताया एक फ्रेंड राधा कृष्ण पे एपिक भी लिख रहा है, तो वो जो नटराज है वो अपने प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में काफ़ी बिजी है, और इस तरीके से वो काम कर रहा है. और अचानक से वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम है वासु, एक टैक्सिडर्मिस्ट है, एक एनिमल स्टफर है. वो बहुत ही टॉल हैं, मस्कुलर हैं, और आप ये कह सकते हैं उसके हैंड्स जो हैं बिल्कुल हैमर जैसे हैं, खूब लंबा चौड़ा इंसान है.
और वहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए आता है। जो उसकी जो मीटिंग है वो नटराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो सेकंड मीटिंग जब उसके साथ में होती है वो बिल्कुल भी बैड फील करता है नटराज जो है। और वहाँ पे पता चलता है कि वो एकदम फोर्सफुली नटराज के रूम में रहने लग जाता है एज ए टीनेंट। वासु जो है वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, ना बोलने में मतलब काफ़ी रूड है, लेकिन वो उसको वासु नटराज को कहता है कि वो तब तक ही उसके रूम में रहेगा जब तक कि वो कहीं और अपना मतलब रूम नहीं देख लेता। लेकिन उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड होता जाता है और वो उसी रूम में रहता है। मोस्टली वो अब्सेंट ही रहता है अपने रूम में, लेकिन वो क्या करता है और एनिमल्स की हंटिंग करता है, उसके रूम से स्मेल आती रहती है, तो इस तरीके के वो काम करता है। एक दिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ में आता है उसकी नटराज की प्रिंटिंग प्रेस में, और फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्ड्स वगैरह छापने के लिए वो लेकर आता है। लेकिन नटराज जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि वो वासु की किसी भी कॉन्टैक्ट के पर्सन को हेल्प नहीं करना चाहता। वासु उसकी हेल्प इसलिए करना चाहता है फॉरेस्टर की, ताकि कि वो उसको परमिशन दे दे। वासु से अगर वो फॉरेस्ट ऑफिसर खुश हो जाता है तो वो उसको परमिट दे देगा शूट करने के लिए एनिमल्स को, तो ताकि वो अपना जो काम है वो कर सके, उनकी स्किन वगैरह उनको चाहिए जिसको स्टफ़ करने के लिए, तो इस तरीके से वो हंटिंग करना चाहता है। यहाँ पे नटराज जो है वो एक दिन क्या होता है, उसके पास वेडिंग इनविटेशंस का ऑर्डर आता है एक लॉयर की बेटी के लिए, और वासु वहाँ पे अचानक से आ जाता है और उससे मतलब उस लॉयर से बात भी नहीं कर पाता। वासु उसको बिठाकर अपने जीप में मैम्पी में ले जाता है। मैम्पी एक पास में ही एक प्लेस है मालगुडी के पास में, और वहाँ पे वो जाते हैं। बाद में पता चलता है वो नटराज को वहीं पे छोड़ देते हैं मैम्पी में, और खुद अपने कंपेनियंस के साथ में फॉरेस्ट में चले जाते हैं टाइगर हंटिंग के लिए। अब जो वासु तो अपने कंपेनियन के साथ में चला जाता है, लेकिन नटराज को वहाँ पे भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा, और वो सोचता है कि एक वहाँ पे एक टी स्टॉल दिखाई देती है और एक टेंपल भी होता है, एक टेंपल के पास में एक टी स्टॉल होती है, वहाँ पे वो जाता है। क्योंकि वो उसको ज़बरदस्ती लाया गया था, वासु उसको लेकर आया था, तो उस अनप्लान ट्रिप के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे भी नहीं थे कि वो वापस मालगुडी चला जाए, और उसको भूख लगी थी, इसलिए जो टी स्टॉल ऑनर है मुथू वो उसकी हेल्प करता है, उसको टी देता है, बन खाने के लिए देता है, और उसका अरेंजमेंट भी करता है, एक बस अरेंज करवाता है, बस जो है उसका कंडक्टर उसका जानकार होता है, तो उसको वापस से मालगुडी भी पहुँचाता है। इस तरीके से टेंपल में एक पैट एलिफेंट भी होता है कुमार नाम का, और उसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। अब यहाँ पे उसकी जो मैम्पी की जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो जाती है, वापस मालगुडी पहुँच जाता है 8 आवर्स में बस में जो नटराज है। जो दूसरे दिन लॉयर वापस से आता है अपने बेटी के शादी के लिए कार्ड प्रिंट करवाने के लिए, और उसके बाद में उनकी बातचीत होती है, और जो जो लॉयर होते हैं उसके बाद में वहाँ पे अचानक से वासु अगेन आ जाता है और डेड टाइगर को लेकर आता है, और इस तरीके के वो काम करता है। वहाँ पे अंदर जाकर वो स्टफ़ करेगा, और नटराज को काफ़ी स्मेल आती है, बहुत फॉल स्मेल आती है, और उसको देख के उस रूम को उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वासु को वो अपनी लाइफ से अपनी शॉप से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन वो वासु से बात करने भी जाता है, नटराज बहुत पोलाइटली बात करता है लेकिन वासु बहुत रूडली बात करता है। नटराज उससे कहता है कि तुमने कहा था कि अगर तुमने नया प्लेस देख लिया हो तो तुम मेरे रूम को खाली कर दो। वो बहाना भी बनाता है नटराज जो है कि मेरे कोई रिलेटिव आने वाले हैं और उनको स्पेस चाहिए, लेकिन वासु जो है उस कन्वर्जेशन का कोई मतलब इनडिफरेंटली लेता है उस कन्वर्जेशन को, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद में नटराज के पास एक ब्राउन लेटर आता है जिसमें समन होता है कोर्ट का, तो कोर्ट क्योंकि उस पर ये चीज़ का ब्लेम लगाया जाता है कि उसने अपना जो प्लेस है वो रेंट पे दिया बिना कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के लिए किए, और अब रॉन्गफुल वे में उनको बाहर भी निकाल रहा है। उसको हो ना हो वासु ने ही ये सब कुछ किया था, नटराज को ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे दिन वापस से जो लॉयर है वो आता है, और लॉयर जो है वो भी इस टाइप का पर्सन होता है कि नटराज को पैसे भी नहीं देता कार्ड्स के लिए, और नटराज उससे हेल्प लेता है, उसको उसके पास में जाता है उसकी ऑफिस में अब्बू लेन में, और उसके बाद में उसको सारी बातें बताता है। और वो लॉयर जो होता है वो इस चीज़ में स्पेशल होता है कि वो कोई भी केस को बहुत लंबा खींच लेता है, तो इस चीज़ हेल्प करने के लिए नटराज से वो पैसे भी, मतलब अपनी फीस भी बताता है, मतलब अपने पैसे पे नहीं करता लेकिन वो फिर भी नटराज से फीस लेता है। यहाँ पे दूसरी तरफ एक जहाँ पे हमेशा जो जाता है नटराज जो है, वहाँ पे एक 70s की एज का एक इंसान जो है वो वहाँ पे आता है, और वो देखता है कि उसका ग्रैंडसन जो है रामू, उसका जो डॉग है उसको किसी ने शूट कर दिया है, तो वो इंक्वायरी कर रहा है उसके लिए ये शूटर कौन है। तो शास्त्री वगैरह और इन सब से डिस्कशन होता है, तो नटराज को पता चल जाता है कि हो ना हो जो रामू का डॉग है उसको शूट वासु ने ही किया है, लेकिन नटराज जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता अपनी शॉप में, इसलिए वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और नए डॉग का अरेंजमेंट करवा दूंगा। वासु जो है वो मतलब इस तरीके से बहुत, वासु की जो काम है उनकी वजह से नटराज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे मतलब चीज़ें बेकार ही होती जाती हैं वासु और नटराज के बीच में, क्योंकि जो फॉरेस्टर है वो उसको बिल्कुल मना कर देता है वासु को हंटिंग के लिए, और उनको पुलिस में भी कंप्लेन करता है कि ये इलीगल हंटिंग करता है, और वासु को लगता है कि नटराज मुझे लाइक नहीं करता, तो उसी ने फॉरेस्टर को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए उनके बीच में रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। और साथ ही साथ वासु जो है अब अपने घर पे, मतलब अपने जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट रंगी को भी लाने लगता है। रंगी जैसा कि मैंने बताया उसकी मदर भी एक डांसर थी, टेंपल डांसर, और वो टेंपल डांसर भी है और प्रोस्टिट्यूट भी है। अब उसने कुल मिला के वो प्लेस है वो बहुत बेकार कर दिया है, और एक दोपहरी को क्या होता है नटराज के पास में मुथु नाम का वही टी शॉप ऑनर आता है जिसने उसकी मदद की थी, जिसने जब वो मैम्पी हिल्स गया था तब, तो वो मनी देने की कोशिश करता है मुथु को लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि टी और बन जब उसने उसको खिलाए थे तो उसने हेल्प की थी इसलिए वो उसको पैसे देना चाहता है। लेकिन मुथु के गेस्चर से ये पता चलता है कि वो कोई प्रॉब्लम में है, और एट लास्ट मुथु ये बताता है कि वो हेल्प के लिए आया है नटराज के पास, क्योंकि मैम्पी टेम्पल का जो हाथी है कुमार वो बीमार हो गया है, और वहाँ यहाँ पे उसको लाना चाहते हैं कोई मतलब एनिमल हॉस्पिटल में, तो इसके लिए वो सर्च करने के लिए आया है कोई एनिमल हॉस्पिटल। एट लास्ट वो नटराज जो है वो बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा सर्च करने में, और उसका जो फ्रेंड है सैन जर्नलिस्ट जो है वो हेल्प करता है एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल मेंशन करके, और एट लास्ट डॉक्टर जोशी का जो हॉस्पिटल है वो फाइनल होता है कि वहाँ पे हम उसको चेकअप के लिए लेके आएंगे। नटराज जो है वो मैम्पी जाता है विलेजेस को कन्विंस करने के लिए कि टेम्पल एलिफेंट को भेजो ताकि वो सही हो सके, उसको साथ में लेकर आता है। तो नटराज लाने के बाद उसको लाता है और उसको इलाज करवाना चाहता है जोशी के पास में, क्योंकि यहाँ पे मतलब सेरेमनी होने वाली है टेम्पल में, और इस वजह से यहाँ पे मतलब एलिफेंट का यूज़ किया जाएगा टेम्पल में अब जब वो ठीक होगा तब। यहाँ पे पोइट का सेलिब्रेशन जो है नटराज का जो फ्रेंड था जिसने एपिक लिख रहे थे कृष्णा और राधा पे, वो कंप्लीट हो गया, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सब फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर से डेट और टाइम वगैरह फिक्स करवाया गया, मतलब मुहूर्त टाइप, और वहाँ पे मतलब सब उसकी हेल्प करते हैं, जो लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं, और सब दिन रात काम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉपी जो पब्लिश होगी और किस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं हमारे फ्रेंड की, तो इस तरीके से उस पॉइंट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए सारे फ्रेंड्स जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। वासु भी हेल्प के लिए आगे आता है, वासु भी पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों से हेल्प कि मैं ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाऊँगा, तो उनकी हेल्प भी करता है, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वासु उनकी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, और इस तरीके से वो फंक्शंस में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि रंगी रंगी भी वहीं परफॉर्म करने वाली है उसी टेम्पल में, तो सब जो हैं जो म्यूज़िक हो रहा है पाइपर्स भी ड्रमर्स भी होंगे, कोकोनट राइस और के जे ड्रिंक्स जो इनके पास में स्टार्टिंग में आए थे कार्ड छपवाने के लिए वो उनकी ड्रिंक्स भी होंगी,
इस तरीके से मतलब सारे जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं उस सेरेमनी के लिए और अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि नटराज जो है शास्त्री और जो उसका पोइट है उनको थोड़ी नींद आ जाती है, इतने थक जाते हैं। और नटराज का जो फ़ोन है उसके पास में फ़ोन आता है और वो देखता है कि रंगी का फ़ोन है। और वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी और वो कुछ प्लान के बारे में बात कर रही थी जो वासु ने बना रखा है। वासु ने ये प्लान बना रखा है कि वो एलिफेंट को शूट करेगा प्रोसेसन के टाइम पे, जब प्रोसेसन जो टेम्पल का जो है रिचुअल है उस टाइम पे, जब जैसे ही उसके रूम के आगे से टेंपल निकलेगा तो वो विंडो से उसको शूट करेगा। अब जो मतलब वासु ने हद ही कर दी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो नटराज है वो डिसाइड करता है कि मुझे वासु से बात करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कैसा भी पर्सन है, लेकिन मुझे एक एनिमल को बचाना पड़ेगा। लेकिन वो उसको नहीं सुनता और बाद में वो शिकायत भी करता है नटराज जो है पुलिस में, और उनको लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती हैं। वो ऐसे कहते हैं कि जब तक कोई क्राइम होता नहीं है हम कैसे मतलब किसी को क्रिमिनल कह दें, या हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ़। यहाँ पे वो अब घर पे अपने वाइफ और सन को भेज देते हैं और वो नटराज जो है वो ये सोचने में बिजी हो जाते हैं कि अगर एलिफेंट शूट किया गया तो वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक होगी और इतनी भगदड़ मचेगी तो बहुत सारा मतलब नुकसान होगा, बहुत बुरा होगा। तो एक रिचुअल में ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे जो है रंगी वापस से आती है उनके घर पे, और रंगी जैसे ही विजिट करती है नटराज को उसके घर पे, उसकी वाइफ को बहुत बुरा लगता है कि प्रोस्टिट्यूट हमारे घर आई है। रंगी जो है वो बताना चाहती थी कि किस तरीके से मतलब मैसेज देना चाहती थी कि वासु की किस तरीके से उसने प्लान कर रखा है और इस चीज़ के लिए। और अब जो है वहाँ पे रंगी जो है वो जाती है, और अब जो उनकी वाइफ है उसका सन है प्रोसेसन के लिए चले जाते हैं, जो नटराज की वाइफ और सन है वो। और यहाँ पे जो है प्रोसेसन की पूरी तैयारी हो चुकी है और वासु से मिलने के लिए नटराज तैयार हो जाता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, कैसे भी मुझे इन सब चीज़ों को से बचाना पड़ेगा पब्लिक को। तो अब वो जाता है वासु से बात करने के लिए, तो वासु जो है अपने चेयर पे बैठा हुआ है और उसकी गन नीचे गिरी हुई है। इतने ही देर में प्रोसेसन जो है उनकी शॉप से के आगे से निकल जाता है, मतलब जिस टाइम पे वो शूट करना चाहता था हाथी को उस टाइम पे वो शूट नहीं करता है। नटराज को लगता है कि वासु सो रहा है इसलिए वो वापस से आ जाता है, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है और उनका रिचुअल है वो एकदम साइलेंटली कंप्लीट हो गया। थानप्पा आता है एक पोस्टमैन एक मेल लेकर वासु का, और नेक्स्ट मॉर्निंग और वो नटराज को बताता है कि वासु मर चुका है। नटराज जो है वो उसे कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है और वो सब कुछ देखता है उस रूम में, जो टाइगर कब हैं, किस तरीके से स्टफ्ड टाइगर कब रखे हुए हैं और बाकी के एनिमल्स हैं। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, डीएसपी वगैरह आ जाते हैं, सबसे इंटेरोगेशन होती है। इनफैक्ट नटराज की वाइफ तक, सबके ऊपर मुत्थू से लेकर रंगी तक हर एक इंसान पे शक है। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक टीम आती है और पोस्टमार्टम भी होता है, और बाद में वहाँ पे जब वो डेड बॉडी जहाँ पे होती है वहाँ पे एक टिफिन भी रखा होता है, उसमें पुलाव होते हैं जो रंगी ने उसके लिए बनाए थे वासु के लिए, लेकिन कोई उस मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहता है। एट लास्ट जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये क्लियर होता है कि कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, मतलब वासु के हेड पे हिट हुआ है जिसकी वजह से वो मर गए हैं। तो यहाँ पे मतलब पॉसिबल मर्डरर कौन हो सकता है, सब पे शक है लेकिन मोस्टली नटराज पे ही शक कर रहे हैं। और उसकी जो मर्डरर्स प्रेस बन गया है, प्रिंटिंग प्रेस की जगह पे, कि सब नटराज को इस नज़र से देखने लगे हैं, बिल्कुल बदनाम रूमर्स हो रहे हैं, गॉसिप्स हो रहे हैं लोगों की तरफ से, रिलेशनशिप्स उसके ख़त्म होने लग जाते हैं नटराज के, उसकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है वासु की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मतलब उससे कनेक्शन नहीं रखना चाहता, सब उससे कनेक्शन तोड़ देते हैं। शास्त्री जो है एक वेडिंग में गए हुए हैं, शास्त्री की हेल्प वो चाहता है लेकिन शास्त्री बहुत टाइम तक नहीं होते हैं और वो काफ़ी परेशान होता है उसके नटराज जो है वो बहुत परेशान होता है। एट लास्ट शास्त्री जब आता है अपनी ट्रिप से, और बाद में पता चलता है कि शास्त्री उसे बताता है कि रंगी से मेरी बात हुई थी और रंगी ने कहा था
कि उसके जो वासु था उसके फोरहेड पे बहुत सारे मच्छर थे और जिनको वो हटाने के लिए एकदम से हिट करता है अपना हैमर लाइक हैंड जो है अपने फोरहेड पे मारता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसने खुद को ही खुद को मारा था, मतलब इविल हमेशा खुद को ही ख़त्म करता है। उसने अपने ही पाम से अपने ही हैंड से मॉस्किटोज को मारने के चक्कर में खुद को ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से उसका एंड होता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब उसको किसी ने नहीं मारा। तो इस नॉवल में यही बात होती है कि हमेशा गुड ही जीतता है, मतलब हमेशा विक्ट्री गुड की ही होती है, इविल पे हमेशा वही जीतता है और इविल हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। और यहाँ पे जो टाइटल की बात करें तो यहाँ पे टाइटल में कोई द मैन ईटर ऑफ मालगुडी कोई टाइगर नहीं था, था एक एंटागनिस्ट था और इतना पावरफुल होने के बाद में उसने ये सब कुछ किया। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल।